से बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल के जो विद्याश्रम प्रशासन ने जो फीस वृद्धि करी है हम उसके खिलाफ है। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से, कोई बीजेपी से, कोई कांग्रेस से, किसी से कोई मतलब नहीं। कल हर वार्ड में फीस घटाओ बचपन बचाओ का बैनर लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी, धरना देगी, जनता की समस्याएं सुनेगी और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि उसके बाद सरकार निश्चित रूप से एक्ट लागू करवाएगी, फीस वृद्धि वापस ले लेगी। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो आंदोलन और तेज करेंगे, मंत्रियों का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, सिविल लाइन्स पर प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री सचिवालय का घेराव करेंगे, लेकिन इस मामले में हम लोग चुप नहीं रहेंगे, कांग्रेस का बड़ा आंदोलन जारी है। आज शिक्षा संकुल पहुंचे हैं आप लोग यहां पर, ना शिक्षा मंत्री नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, डीओ नहीं है, हमने नोटिस चस्पा कर दिए, चिपका दिया नोटिस, नोटिस हमने चिपका दिया। ये फीस वृद्धि का मामला राजस्थान के करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है और इस मुद्दे पर सरकार को आगे आना चाहिए, फीस वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए, स्कूल जो मनमानी कर रहे हैं उनको नियंत्रण में लेना चाहिए, कभी ड्रेस यूनिफॉर्म के कोड पर, कभी जूते के, कभी सॉक्स के, कभी टाई के नाम पर, कभी बेल्ट के नाम पर, कभी बच्चों को डराने के नाम पर, पेरेंट्स को जो डराया जा रहा है गलत है। इश्यू सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये इश्यू स्टेट का है, जनता बटी हुई हो सकती है, कांग्रेस ये इश्यू सिर्फ कांग्रेस के नाम पर खड़ा नहीं कर रही है, ये इश्यू आम आदमी का है। जब मेरे से स्कूल के लोग मिले उसके बाद मैं निकल कर यहाँ आया हूँ इस यहाँ पर इस जगह पर, इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि इसमें प्रेस के लोगों को भी आगे आना चाहिए। मैं इतना कह सकता हूँ जिस तरह का जुल्म प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं वो जुल्म रुकना चाहिए, फीस वृद्धि वापस होनी चाहिए, नहीं मुख्यमंत्री को घेरेंगे, मंत्री को घेरेंगे और अब जहाँ भी मंत्री जाएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, वहाँ घेराव होगा, धरना प्रदर्शन होगा और फिर टकराव होगा, तो राज्य सरकार जिम्मेदार। सर मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो मैनेजमेंट है, जो इन्होंने बना रखा सिस्टम, वो एक तानाशाह हिसाब किताब है। जितना मैं समझ पाया हूँ हमने हमारी बात पूरे रूप से कही, पेरेंट्स के साथ गए, 200-250 पेरेंट्स के साथ गए, रिजल्ट ये निकला हमको, जो मिस्टर कुमावत है जो वहाँ पे कैप्टन है और एज ए डायरेक्टर भी है वहाँ पे, उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से हमारी किसी भी बात पे कंसीडर नहीं किया, यहाँ तक कि हमको ये कह दिया कि लास्ट अगर तुम जमा नहीं कराते हो 25 तारीख तो आप अपने बच्चों की टीसियाँ ले जाओ। मतलब ये क्या तरीका हुआ कि बच्चे की टीसी ले जाओ, कोई रिजल्ट तो दिया नहीं इन्होंने। हमने इनसे कहा कि साहब जब तक गवर्नमेंट का फैसला नहीं आता, आपने ऐसा कहा कि आप लोगों ने गवर्नमेंट में अप्लाई किया है, अगर कल को गवर्नमेंट जो डिसीजन देगा हम उस पर आमादा रहेंगे, तो हमने भी उनको कहा रिजल्ट पे कि भाई जब तक गवर्नमेंट का डिसीजन है जब तक फीस जो लास्ट थी वही चलने दी जाए। उन्होंने उसके ऊपर भी उन्होंने कोई कंसिडरेशन नहीं किया, बोले फीस तो आपको जमा करानी पड़ेगी बढ़ती हुई दरों में। देखिए हमें जो प्रदर्शन के दौरान पता चला कि स्कूल प्रशासन ने कहा कि गेंद तो राजस्थान सरकार के पाले में है, शायद किसी पेरेंट के द्वारा कोई कंप्लेंट हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में गई हुई है राजस्थान सरकार के, और उनकी तरफ से जो जवाब आएगा वो हम आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जब हमने उनसे उस तरह के कोई सर्कुलर की उनसे कॉपी मांगी तो उनके द्वारा कोई कॉपी प्रोवाइड कर मना कर दिया उन्होंने, बोले वो हम आपको नहीं देंगे। अब ये बड़ा एक संदेह वाला मामला है कि इस तरह की कोई कॉपी वहाँ से इशू भी हुई है या नहीं हुई है। तो हम सभी पेरेंट्स का ये कंसर्न है, ये बड़ी एक सीरियस मुद्दा है कि जब पिछले 6 साल से लगातार फीस वृद्धि हो रही है तो इस साल अत्यधिक फीस वृद्धि करने का कोई उचित कारण होना चाहिए और उसके बारे में कोई हमारे को संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। तो हम सभी इसलिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी पेरेंट्स दुखी होके व्यथित होके, और ये आपके माध्यम से राजस्थान सरकार तक ये हम अपना एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि कृपया राजस्थान सरकार इस मुद्दे पर अपना जो है स्ट्रॉन्ग एक निर्णय ले और इन स्कूलों के ऊपर एक अपना अंकुश लगाए, इनके ऊपर एक नियंत्रण समिति कमेटी बनाए। फीस वृद्धि के विरोध में एक एक्ट लाए थे और यूनानिमसली वो एक्ट पास हुआ था, उसमें बीजेपी के लोगों ने भी उसमें समर्थन किया था। उसके बाद फीस वृद्धि पे थोड़ा कवंकुश लगा, बीजेपी की सरकार आने के बाद उन्होंने उस पर अमेंडमेंट किया, 2016 में अमेंड करने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ और उसी का नतीजा है कि जो स्कूल हैं वो अनाप शनाप फीसें बढ़ा रहे हैं। वो निश्चित रूप से बच्चों के साथ, राजस्थान के पढ़ने वाले बच्चों के भाग्य के का उस पर असर पड़ रहा है, अभिभावकों को फीस देना मुश्किल हो रहा है, यहाँ तक कि RTI में जो एडमिशन होते थे उसमें भी जो सरकार से पैसा मिलता था वो पैसा भी लोगों ने कम कर दिया है, और स्कूलों जो बच्चों पर जो स्कूलों ने जो फीसें बढ़ाई है वो निश्चित रूप से अभिभावकों के लिए
बहुत बड़ा परेशानी का कारण बना है। हजारों भविष्य हजारों ने लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में पैदा कर दिया है। इसलिए मैं इस पक्ष में हूँ कि ये सरकार जो प्राइवेट स्कूल जो स्कूलों ने फीस वृद्धि की है उसको वापस ले और एक्ट जो 2016 में लागू किया पास किया है उसको लागू। भविष्य में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो किस तरह का यहाँ पर कार्य किया जाना है? देखिए परिस्थितियों के मुताबिक फैसले करने पड़ते हैं। 2018 में अगर चुनाव में के बाद कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया जाएगा और अभिभावकों से मिल करके और एक रीजनेबल समझौते रीजनेबल एक्ट लागू किया।